बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर रिलेटेड टू हाउ टू डिलीट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, हाउ टू हाइड डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, हाउ टू मूव और कॉपी और एंड पेस्ट आवर डेटा, हाउ टू फाइंड एंड रिप्लेस different kind of data in Excel sheet. So let's start. This is our data, data table. The format for data is the first one is the date, then gauge reading, gauge in feet, and then gauge in inches, then gauges, total gauge reading. This is the 2 and this is 5 inch, so this comes as 2.42. Then the discharge value is also given, the flow of the river. Suppose I want to delete this kind of row. मैं ये रो जो है ये डिलीट करना चाहता हूँ, तो किस तरह ये डिलीट करूँगा मैं? तो इसके दो तरीके हैं, या तो इस पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दें, ये रो जो है ये कम्प्लीटली डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड पे मैं ये दोबारा इंसर्ट कर सकता हूँ इसको, या आप यहाँ से सिंपली इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट सेल ही कर सकते हैं। सपोज़ मैं सिर्फ ये एक सेल ही डिलीट करना चाहता हूँ और ये जो डेटा है ये मैं रहने देता हूँ, लेकिन अगर मैं ये यहाँ से भी मैं ये डिलीट कर सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, शिफ्ट सेल लेफ़्ट या शिफ्ट सेल अप, या एंटायर रो आपने डिलीट करना है या एंटायर कॉलम आपने डिलीट करना है। तो अगर मैं ये शिफ्ट सेल लेफ़्ट क्लिक कर लूँ तो ये सारा जो डेटा है 2.58 और ये डेटा ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख लें, जब मैं ये ओके करता हूँ तो ये सारा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल जेड पे मैं ये दोबारा अप्लाई करता हूँ। इस तरह अगर मैं ये डिलीट करता हूँ तो अगर सेल शिफ्ट सेल अप कर देता हूँ तो ये 1.3.2005 ये डिलीट हो जाएगा और 1.4.2005 जो है ये ऊपर आ जाएगा। आप देख ले, ये इस तरह आ जाएगा। कंट्रोल जेड पे भी दोबारा करता हूँ। इस तरह अगर मैं ये डिलीट करूँगा और एंटायर रो जो है ये डिलीट करना चाहता हूँ तो ये पूरा जो रो है ये डिलीट हो जाएगा। इस तरह आप अगर डिलीट करेंगे तो ये पूरा रो जो है ये डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड पे दोबारा, और इस तरह ये अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो ये जब एंटायर कॉलम में मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये इंटायर कॉलम जो है ये डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड पे दोबारा, ये इस तरह आ सकता है। तो इस तरह मैं जब एक कॉलम को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से जब सिंपली राइट क्लिक करें और इंसर्ट करें तो ये एक कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर एक रो जो है आपने इंसर्ट करना है तो सिंपली राइट क्लिक करें और इंसर्ट करें तो ये आपके पास एक रो जो है ये इंसर्ट हो गया। इसको हम कहते हैं इंसर्ट और डिलीट, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद है हमारे पास हाइड एंड अनहाइड। सपोज़ मैं जब सिंपली एग्ज़ाम्पल अगर हम ये ले लें कि जब इस डेटा का मैं प्रिंट निकालना चाहता हूँ और उसमें ये गेज इन इंचेस और गेज इन फीट जो है ये मैं शो नहीं करना चाहता, मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो किस तरह करूँगा? सिंपली आप इस सेल को ये कॉलम जो है ये सेलेक्ट कर दें और जाए फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में आप देख सकते हैं हाइड और अनहाइड। तो इसमें आप ये अगर देख ले तो ये पूरा आपके पास ऑप्शंस हैं। आपने रो को हाइड करना है, आपने हाइड कॉलम को हाइड करना है, पूरी शीट को आपने हाइड करना है, फिर अगर उस रो को अगर एक रो को आपने हाइड किया है तो उसको दोबारा अनहाइड कर सकते हैं, इस तरह कॉलम को अनहाइड कर सकते हैं। सपोज़ मैं ये पूरा जो कॉलम है इसको हाइड करना चाहता हूँ तो ये आपके पास ये कम्प्लीटली हाइड हो गए। यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे आपको डबल रो पे नज़र आएगा,
इस जगह को देखिए, आपको एक डबल एरो जो है वो नज़र आएगा। इस तरह यहाँ पे भी ये भी जो है मैं ये हाइड और अनहाइड कर सकता हूँ। सपोज़ इसको भी ये मैंने हाइड कर दिया, तो अगर जब आप इसकी प्रिंट लेंगे, इस एरिया की आप प्रिंट लेंगे, सपोज़ मैं इसकी प्रिंट निकालना चाहता हूँ, इस यहाँ से कंट्रोल पी पे मैं ये इसकी प्रिंट निकालना चाहता हूँ, तो ये आप देख लें डेट, गेज और डिस्चार्ज, वो जो दो और कॉलम थे गेज इन इंचेस और गेज इन फीट, वो आपको नज़र नहीं आएंगे। ये मैं क्योंकि मैंने इसको हाइड किया हुआ है। अच्छा, इसकी इसको अनहाइड किस तरह करेंगे? अनहाइड इस तरह ये करेंगे कि यहाँ से अगर आप सिंपली ये पूरा जो कॉलम है ये आप पूरा सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप डबल क्लिक करें, ये आपको अनहाइड हो जाएंगे। कंट्रोल जेड पे मैं जाता हूँ, या यहाँ से आप ये फॉर्मेट पे भी यहाँ से जाके इसको आप अनहाइड कर सकते हैं। अनहाइड यहाँ से दोबारा इसको आप अनहाइड कर सकते हैं। तो ये है हाइड और अनहाइड। उसके बाद है मूव, कॉपी और इंसर्ट। तो सिंपली अच्छा, मूव हम किस तरह करेंगे? सपोज़ ये कॉलम, ये जो डेटा है ये मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल सी पे, और यहाँ पे ये मैं कंट्रोल वी पे ले सकता हूँ, कंट्रोल वी पे। तो ये डेटा को मैंने कॉपी किया, इसको हम कहते हैं कॉपी, कंट्रोल सी पे और कंट्रोल वी पे, या आप यहाँ से भी ये डेटा सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और सिंपली ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे वे ये यहाँ ये पेस्ट कर दे, तो ये सिंपली पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, सपोज़ मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, तो मूव किस तरह करेंगे? सपोज़ मैं ये पूरा जो मेरा सपोज़ ये सेल है, ये डेटा जो है ये पहले होना चाहिए था और ये बाद में होना चाहिए था। ये थ्री नंबर रो जो है ये पहले होना चाहिए था और दो सेकंड नंबर रो जो है ये बाद में होना चाहिए था। तो इसको सिंपली आप पहले सेलेक्ट करें और फिर इसको आप यहाँ से शिफ्ट होल्ड करके, शिफ्ट होल्ड करके माउस के ज़रिए आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो आप देख लें कि ये रो जो है ये पहले नंबर पे आ गया और उसके बाद ये दूसरे नंबर पर आ गया। इसको सिंपली आप इस तरह कर सकते हैं कि सपोज़ ये रो जो है ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, फिर शिफ्ट होल्ड करके माउस के ज़रिए आप इसको नीचे ला सकते हैं। आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी। ये सपोज़ मैंने दोबारा वही जगह अपनी जगह पे ले आया, तो इसको हम कहते हैं मूव। सपोज़ इस पूरे कॉलम को आपने यहाँ पे शिफ्ट करना है, ये इस जगह पे ठीक नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो इसको मैंने पहले सेलेक्ट कर दिया, फिर शिफ्ट होल्ड करके माउस के ज़रिए अब हम इसको यहाँ इसको शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसको दोबारा कर कंट्रोल जेड पे मैं दोबारा वही अपनी जगह पे ले जा सकता हूँ, कंट्रोल जेड पे या मूव बटन पे मैं ये दोबारा उस जगह पे ले जा सकता हूँ। अच्छा, अगर आपने इस शीट को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करना है, लेकिन आपने यहाँ से कॉपी नहीं करना, आप चाहते हैं कि यहाँ से ये यहाँ से ख़त्म हो जाए और वहाँ पे पेस्ट हो जाए, तो आप कंट्रोल एक्स पे कंट्रोल एक्स दबाएंगे और फिर वहाँ पे कंट्रोल वी, तो ये यहाँ से कट होके वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से ये मैं दोबारा कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी, तो ये इस तरह हम मूव कॉपी और इंसर्ट कर सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद एक और फीचर है, इसको हम कहते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। सपोज़ इसकी हम क्यों करना चाहते हैं इस और इसकी बेनिफिट क्या है। सपोज़ इस कॉलम को आप देख ले, इसमें 5, 6, 7 या आप देख ले 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है और भी 5 इसमें होंगे। और सपोज़ यहाँ पे इसकी एंट्री में मुझसे कोई गलती हो गई है, या इस तरह है कि इसमें अगर सपोज़ टेक्स्ट है और उसमें मुझसे कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुई है और उसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, और वो एक ही टेक्स्ट जो है वो आलमोस्ट 100 बार रिपीट हुआ है। सपोज़ कोई नाम है और वो तकरीबन 100 मरतबा रिपीट हुआ है, जिस तरह ये आप देख ले 5 जो है ये एक मरतबा, फिर दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, ये है आप, ये है बी भी 5 है। सपोज़ इस तरह टेक्स्ट भी आपके पास है जो है वो रिपीट हुआ है और उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपने अगर सिर्फ एक ही टेक्स्ट को ठीक किया तो ये करेक्शन जो है ये सारों पे किस तरह अप्लाई करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ मैं ये करना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी आपको 5 नज़र आएगा मैं उसको 5.5 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो किस तरह मैं एक ही सेल को, या तो इस तरह करूँगा कि या इस पे यहाँ से 5.5 लिखूँगा, फिर यहाँ पे भी 5.5 लिखूँगा, और इसमें ये भी एरर आ सकता है। ये तो एक हेडेक ये है कि हर एक सेल में मैं करेक्शन करूँगा, और हेडेक ये भी है कि कहीं मुझसे ये रह ना जाए 5 जो है मुझे कहीं कहीं रह ना जाए ये करेक्शन करने में। तो इसमें इसका ये एक आसान तरीका ये है कि मैं इस पूरे सेल को या पूरे कॉलम को जो है ये सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं फाइंड एंड सेलेक्ट में जाऊँगा। तो जब मैं ये फाइंड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा 5 कि मैंने इस पूरे कॉलम में 5 को फाइंड करना है। जब और 5 को मैंने रिप्लेस करना है, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, फिर उसको रिप्लेस करना है 5.5। जब मैं ये रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो ये ऑल डन, वी मेड 1049 रिप्लेसमेंट। आपके पास इस पूरी डेटा में 1049 रिप्लेस 5 वैल्यूज़ थी और उन सारों को इस एक ही ऑप्शन पे 5.5 पे कन्वर्ट कर दी। ये आप देख ले, ये रिप्लेस, ये सारा जो है ये रिप्लेस होगा। अब जब यहाँ पे आप देख ले, जब आपको 5 नज़र आएगा तो ये सारा कुछ आपको, जब आपको 5 नज़र आएगा तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा 5.5। ठीक है, इसको मैं दोबारा वहीं से, अगर आप 5.5 को मैं दोबारा 5 पे किस तरह ले आऊँगा, तो इसकी एक शॉर्टकट की भी है, आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं और आप कंट्रोल F पे भी फाइंड कर सकते हैं, कंट्रोल F। तो ये कंट्रोल F पे मैं जब यहाँ पे मैं इस तरह करूँगा कि 5.5 को मैं फाइंड करूँगा और फिर रिप्लेस करूँगा 5 से, और जब ये रिप्लेस होगा तो ये आपका 5 पे कन्वर्ट हो गया। इस तरह अगर आप ये डेटा इसको देखें तो इसमें ये 2646 आप देख सकते हैं बार बार रिपीट हुआ है। तो इसको अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं, या सपोज़ मैं यहाँ आपको सपोज़ मैं ये नाम है, इस तरह अगर आप देख सकते हैं ये सपोज़ मैंने ये नाम लिख लिए, तो और इसमें ये है कि मैं ये करना चाहता हूँ कि
इस फॉर्मेट में ये सारा लिखना चाहता हूँ, ये खान और ये मैं इससे हटाना चाहता हूँ। तो इस आप सिंपली ये करेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे और ये लिखेंगे कि ये जो नाम है इसको रिप्लेस करना है इरफान, इस पे रिप्लेस करना है। जब मैं ये रिप्लेस करूँगा तो ये सारा रिप्लेस हो जाएगा। इस अच्छा इसमें ये एक एरर ये भी है कि हमारे पास जो ये कैपिटल से शुरू हुआ है ये और ये स्मॉल से शुरू हुआ है, तो इसको मैं भी शिफ्ट कंट्रोल एफ़ पे फाइंड करना चाहता हूँ और वो इरफान और इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ इस पर। तो ये आपके पास रिप्लेसमेंट इसकी हो गई, आप देख सकते हैं इसकी रिप्लेसमेंट जो है वो हो गई। तो इस तरह हम टेक्स्ट की रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं फाइंड एंड रिप्लेस।